गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। चलिए आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए, अपनी नोटबुक पेंसिल इरेजर बैग से बाहर निकाल लीजिए। आप लोगों ने निकाल लिया तो प्रीवियस क्लास में आप लोगों को कुछ होमवर्क मिला तो उम्मीद है सभी बच्चों ने कंप्लीट किया होगा। चलिए फिर आज देखते हैं आप लोगों क्या पढ़ना। आप लोग नोटबुक ओपन कर लें। मैच द फॉलोइंग आज आप लोगों को पढ़ना है, मैच करना, मिलाना है। मैं कुछ नंबर दूंगी, स्पेलिंग दूंगी, उससे आप लोगों को नंबर को मैच करना। ओके, जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ हो गया 15, आप लोगों का स्पेलिंग तो कंप्लीट ही होगा 1 to 100, तो इजली बन जाएगा मैच करना। आप लोगों को मैं बता रही हूँ कैसे मैच करना, आप लोग वेट कीजिए। इसे क्या करना है, मैच करना, मिलाना। सबसे पहले यहाँ स्पेलिंग देखना है क्या लिखा है। तो TEN क्या होता है, 10 होता है। इस साइड आपको इस साइड वाले को इस साइड से मैच करना है। तो 10 को ये कहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ देखिए 1515 है, यहाँ 10 है। हम लोग क्या करेंगे, 10 को 10 से मैच करेंगे। ये हम लोगों ने मैच कर दिया। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, FIFTEEN क्या हो जाएगा, 15। और 15 कहाँ लिखा हुआ इस साइड में, आपको ढूंढ करके उसे मैच करना है। फिर यहाँ TWENTY क्या होता है, 20। 20 आपको नंबर में खोजना है और इसे मैच करना है। नेक्स्ट है THIRTY, 30। 30 कहीं पे दिख रहा है आप लोगों को, देखिए आप लोगों को कहीं पे नजर आ रहा होगा तो वहाँ आप लोगों को मैच करना है। नेक्स्ट है FORTY, 40। 40 में क्या होता है, 40 होता है। तो 40 देखिए इस साइड किस आप लोगों को कहीं पर दिख रहा होगा तो वहाँ मैच करना है। नेक्स्ट है SEVENTY, 70। 70 में क्या होता है, 70 होता है। और देखिए 70 कहाँ पे नंबर्स में लिखा हुआ है, यहाँ स्पेलिंग में सेट, तो उसे मैच करना है। तो आप लोग से लिए मैच कीजिए, फिर मैं बताऊँगी तो आप लोग मैच कर लेंगे। ओके, कि आप लोगों ने सही बनाया या नहीं। सबसे पहले आप लोग क्लास लिख लीजिएगा सब्जेक्ट और हेडिंग डालना है MATCH मैच, THE FOLLOWING फॉलोइंग। ये आप लोग हेडिंग डालिएगा, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना और बीच में आप लोगों को 5 बॉक्स या 4 बॉक्स छोड़ दीजिएगा आप लोगों के नोटबुक के अकॉर्डिंग। किसी में बड़ा बॉक्स बना रहता है किसी नोटबुक में, किसी में छोटा छोटा बॉक्स रहता है। जिसमें छोटा बॉक्स होगा वो 5 बॉक्स गैप करेंगे और जिसमें बड़ा बड़ा बॉक्स होगा वो लोग 4 बॉक्स गैप करेंगे। ओके, और अच्छे से आप लोग मिलाइएगा, क्लियर क्लियर दिखे, टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं मिलाना, सीधा सीधा करके मिलाना। जहाँ से मिला देखिए मैं सीधा करके मिलाई हूँ, ऐसे ही करके आप लोगों को मिलाना है। और आप लोग अच्छी राइटिंग में लिखिएगा और ये स्पेलिंग भी अच्छे से क्लियर क्लियर लिखिएगा। स्पेलिंग आप लोग सदा सदा कर लिखिएगा, बिकॉज बॉक्स में लिखिएगा तो पूरा बॉक्स तो स्पेलिंग में ही खत्म हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को स्पेलिंग जो है सटा कर ही लिखना, बॉक्स बाय बॉक्स नहीं लिखना। चलिए आप लोगों ने बना लिया तो मैं बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखें और फिर आप लोग मैच कर लेंगे कि आप लोगों ने सही बनाया या नहीं।
यहाँ क्या लिखा हुआ है, एफ आई एफ टी ई ई एन, क्या हो जाएगा 15, 15 में होता है 15, और आप लोगों को ढूंढना है इस लाइन में कि 15 है कहाँ पे। चलिए हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ देखिए 15 ऊपर में ही मिल गया, हम लोग क्या करेंगे मैच कर लेंगे 15 से। ओके नेक्स्ट क्या है, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20, 20 में होता है 20, और आप लोगों को इस रो में खोजिए 20 कहाँ पे, यहाँ 15 था, 10 था, 30 क्या हो जाएगा 30 है, और 20 क्या होगा 20, तो 20 हम लोगों को मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे 20 से मैच कर लेंगे। ओके नेक्स्ट क्या है, टी एच आई आर टी वाई 30, 30 मिस क्या होता है 30 होता है, और 30 हम लोगों को ढूंढना है और मैच करना है, यहाँ तो 15 था, 10 था, और यहाँ क्या 30, और यहाँ भी 30 था, तो हम लोग क्या करेंगे इसे 30 को 30 से मैच कर देंगे। ओके नेक्स्ट क्या है, एफ ओ आर टी वाई 40 मिस होता है 40, और आप लोगों को 40 ढूंढना है कि इस साइड कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तो 15 है, यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, यहाँ 70 है, और नीचे क्या है 40 हमें क्या ढूंढना था 40 ढूंढना था, और 40 हम लोगों को मिल गया, तो हम लोग 40 से मैच कर लेंगे। यहाँ देखिए नीचे क्या है, एस ए बी ई एन टी वाई 70 मिस होता है 70 कहाँ पे 70 दिख गया, हम लोग क्या करेंगे इसे मैच कर लेंगे। ओके तो आप लोग चेक कर लीजिए कि आप लोगों ने सही बनाया है या मिस्टेक हुआ, अगर तो आप लोग इसे रेस करके करेक्ट कर लेंगे, और लाइन जैसे मैंने मिला एकदम सीधा सीधा मिलाना, ना कि ऐसे तुरछा मिर्छा करके नहीं मिलाना। ओके ऐसे आपका ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ऐसे कर लोगे आप लोग टेढ़ा कर लोगे लाइन, तो फिर लगेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि इसमें किस आपने मैच किया है। चलिए आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया है, आप लोगों को समझ आ गया कि मैच करना कैसे हम लोग मैच करेंगे, आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैं एक और तरीके से बताती हूँ आप लोग कैसे मैच कर सकते हो। तो चलिए मैं सीरियस कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे आप लोग एक साइड स्पेलिंग था और एक साइड नंबर था, अब मैं कुछ चेंज करके दे रही हूँ, इस साइड कुछ ऑब्जेक्ट है और इस साइड आप लोग एक साइड आप लोगों को नंबर लिखा रहेगा, तो उससे आप लोगों को मैच करना है। ये बहुत इजी होता है, देखिए इस साइड स्टार बना हुआ है, एक साइड आपको नंबर दिया जाएगा, उसी तरह करके आपको मैच करना। ओके देखिए इस साइड वाले में क्या आपको जैसे यहाँ इस साइड स्टार बना हुआ और इस साइड नंबर दिया था, आपको स्टार को काउंट करना है और नंबर से मैच करना है। ओके तो यहाँ देखिए कितने स्टार बने हुए हैं, 1 2 2 स्टार बने हुए, तो हम लोगों को नंबर 2 से मैच करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 3 5 4, हम लोग किससे मैच करेंगे, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट है ना, 2 स्टार है, तो हम लोग किससे मैच करेंगे 2 से, इसी तरह करके आपको मैच करना होगा। यहाँ 1 स्टार बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 से मैच करेंगे, कितना ऑब्जेक्ट है यहाँ पे 1 ऑब्जेक्ट है, तब किससे मैच करेंगे 1 से। यहाँ देखिए 1 2 3 4 कितने ऑब्जेक्ट है 4, और इस साइड देखिए 4 कहाँ पे नीचे दिख रहा है, इससे मैच कर लेंगे। नेक्स्ट है 1 2 3 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से मैच करेंगे, 3 आपको कहीं पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ हम लोग मैच कर लेंगे। और नीचे क्या है, तो 1 2 3 4 5 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 को 5 से मैच करेंगे। इस तरह करके आप लोग अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन या ऑब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं या ग्रुप दे
इस साइड ग्रुप दे सकते हैं, स्पेलिंग दे सकते हैं, या कुछ नंबर ही बोलेगा, सेम नंबर को मैच करना है तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को समझ आ गया तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं आप लोग कुछ होमवर्क दे देती हूँ, आप लोग घर से बनाएंगे। ओके, पहले इसे अच्छी राइटिंग में नोट कर लें, नेक्स्ट पेज में इसे नोट कीजिएगा। तो आप लोगों ने नोट कर लिया, चलिए मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ जिसे आप लोग नोट कर लेंगे और होमवर्क में आप लोगों को मैच करना है, बनाना है। क्या है ये होमवर्क आप लोगों को? यहाँ है आपका 80, 46। तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप लोग होमवर्क में नोट कर लीजिए और आप लोगों को मैच करना है तो आप लोग इसे अच्छी राइटिंग में नोट कर लें। चलिए आप लोगों ने आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज का क्लास आपका यही एंड होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को आपका होमवर्क मिल चुका है, आप लोग अच्छे से घर पे पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।